गुड मॉर्निंग छात्रों, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीथमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद कुमार गुप्ता आज आपका नया लेक्चर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, हम लोग अपने इसके पहले के क्लास में अध्ययन कर रहे थे जय विकास के सिद्धांत का। तो जय विकास के सिद्धांत पे हमने वहाँ कल नाम लिया था लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नो डार्विनवाद तथा उत्परिवर्तन, इसका नाम लिया था। तो छात्रों, आज हम सबसे पहले लैमार्कवाद के बारे में अध्ययन करते हैं। लैमार्कवाद किसे कहते हैं, इसके पहले लैमार्क के बारे में जान लेते हैं। लैमार्क हैं क्या, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लैमार्क का पूरा नाम बताइए। तो लैमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है लैमार्क जी का पूरा नाम। और इनका इनके द्वारा लिखा हुआ किताब, इन्होंने अपने सिद्धांत को किस में प्रस्तुत किया था। तो लैमार्क के द्वारा जो भी सिद्धांत जय विकास के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसी को लैमार्कवाद कहा जाता है। तो हमने यहाँ दो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है, ध्यान रखिएगा। पहला, लैमार्क जी का पूरा नाम क्या है। दूसरा, इन्होंने अपने जय विकास के सिद्धांत को किस बुक में प्रस्तुत किया था या प्रकाशित किया था। तो फिलासफी ऑफ जूलॉजी में इन्होंने छापा था। सन भी यहाँ दिया हुआ है, 1809 में छापा था। तो ठीक है छात्रों, तो ये हमने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जाने। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। लैमार्क साहब ने जो अपना सिद्धांत दिया था, वह सिद्धांत चार बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? पहला, उपार्जित लक्षणों की वंशागत। उपार्जित लक्षणों की वंशागत लैमार्क साहब ने बताया था कि जीवधारियों, उपार्जित पहले किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। उपार्जित आवश्यकता को पूर्त करने के लिए जो कुछ हम परिवर्तन करते हैं उसे उपार्जित कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे आप लोग डेलिट के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी आवश्यकता है नौकरी करना। आप सभी व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि जी जिंदगी में या जीवन में कुछ अच्छा करे। तो आप लोगों की जो आवश्यकता है प्राइमरी के टीचर बनने की, तो प्राइमरी के टीचर बनने के लिए आप जो है डेलिट का कोर्स कर रहे हैं। डेलिट के कोर्स के लिए आप कंटिन्यू क्लास पढ़ रहे हैं। इस कंटिन्यू क्लास के पढ़ने से आप में जो भी परिवर्तन आता है या जो ज्ञान में परिवर्तन आता है उसी को उपार्जित कहा जाता है। ठीक छात्रों, तो उपार्जित के बारे में उन्होंने बताया। अब आगे चलते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागत, उपार्जित लक्षणों की वंशागत का मतलब ये होता है कि कोई भी जीवधारी वातावरण के प्रभाव के कारण से अपने शरीर के अंगों के उपयोग और अनुपयोग, उपयोग का मतलब अगर किसी अंग का ज़्यादा प्रयोग करता है तो उसी को उपयोग कहा गया, अनुपयोग अगर किसी अंग या भाग का उपयोग नहीं करता है तो उसी को अनुप्रयोग कहा जाता है। उपयोग और अनुप्रयोग के द्वारा नए परिवर्तन लाता है। तो इस नए परिवर्तन के कारण से उसकी पीढ़ी जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागत को प्रदर्शित करता है, मतलब नए जीव के रूप में प्रदर्शित करता है। तो इसी को कहा जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागत। ठीक है, यहाँ फिर से समझ लीजिए। वातावरण के प्रभाव के कारण शरीर के अंगों का लगातार उपयोग करने से जीवधारी में जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है इसी को कहा जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागत। इसके लिए इन्होंने जिराफ का उदाहरण लिया था, अभी आगे हम उसको स्पष्ट करेंगे जिराफ के उदाहरण को दे करके। तो ये उपार्जित लक्षणों के आधार पर इन्होंने जीवों में विकास के बारे में चर्चा किया था। दूसरा, इन्होंने कहा था जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि प्रत्येक जीवधारी जन्म लेता है और अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहते हुए अपने शरीर की संरचना को बदलने का प्रयास करता है, शरीर की एक्टिविटीज को बदलने का प्रयास करता है, जिसके कारण से उसके जीव जात के सदस्यों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, जीव जात के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति से जीवों में
परिवर्तन देखने को मिलता है, इसी को जैव विकास कहा जाता है। दूसरी नेक्स्ट बात करता है अंगों का उपयोग या अनुपयोग। ये उपार्जित लक्षण जैसा ही है, ये बात करते हैं। इन्होंने वही बात यहाँ भी बताया है कि कोई जीवधारी किसी भी वातावरण में अगर रहता है तो वहाँ पर जिस अंग का अधिक उपयोग करता है वह ज़्यादा विकसित हो जाता है, और जिस अंग का कम उपयोग करता है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है अथवा लुप्त हो जाता है या उसी अंग के रूप में रह जाता है। तो जो अंग पहले था बाद में नहीं है, तो इस प्रकार से नए जीव का नया स्वरूप दिखता है। तो इससे जो है वह ये कहते हैं कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग से भी जीवों में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वातावरण का प्रभाव। जैसा कि छात्रों हमें पता होगा कि वातावरण का प्रभाव जो है सभी जीवधारियों पर पड़ता है। तो प्रत्येक जीवधारी वातावरण की दशा में बने रखने के लिए अपने आप को अपनी शारीरिक संरचना तथा आदतों में परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर भी एक अच्छा उदाहरण है, जैसे हम लोगों के देश में आज कोरोना की बीमारी चल रही है, तो कोरोना की बीमारी में अभी लगभग 2 महीने का लॉकडाउन हो चुका है। तो 2 महीने के इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग घर पे रहकर जीना सीख लिए हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी वही बात करते हैं कि अगर लेकिन ये जितने भी जैव विकास की प्रक्रिया की बात करते हैं ये किसी भी जीवधारी में अचानक नहीं देखने को मिलता है, ये हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं किसी जीवधारी को नए जीव में परिवर्तित होने के लिए। तो वातावरण के प्रभाव के कारण से जो उनमें परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन के कारण से उसमें उस जात के नए जीव कुछ समय बाद दिखाई पड़ते हैं, इसी को इन्होंने जैव विकास कहा है। तो जैव विकास लेमार्क साहब की 4 बातों पर है, याद रखिएगा, उपार्जित लक्षणों की वंशगत, जीवों के आकार में वृद्धि, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, वातावरण का प्रभाव। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लक्षण का नाम लेगा, पूछेगा किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है छात्रों, अब इसका इन्होंने जो उदाहरण लिया है जीराफ का लिया है, अफ्रीकी जीराफ का लिया, जैसा कि अफ्रीका जो है रेगिस्तान क्षेत्र में जो है अफ्रीका के रेगिस्तान क्षेत्र में जीराफ रहता था। तो रेगिस्तान क्षेत्र में जो है पौधे बहुत बड़े नहीं होते थे, छोटे होते थे, परंतु जो है इन्होंने ये बताया कि जीराफ पहले छोटे पैरों वाले होते, छोटे कद वाले थे, घास को खाते थे, परंतु जब वातावरण धीरे धीरे शुष्क हो गया तो वहाँ पर छोटे पौधे समाप्त हो गए, उससे बड़े पौधे थे, तो उन बड़े पौधों को खाने के लिए अपने गर्दनों और अगली टांगों में खिंचाव करना शुरू किया। खिंचाव करने के कारण से उसमें परिवर्तन उत्पन्न हुआ और जो वंशागत होते होते नए लक्षण के रूप में प्रदर्शित हो गया। इस प्रकार इस उदाहरण से इन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागत, जीवों के आकार में वृद्धि करने की प्रवृत्ति तथा अंगों के उपयोग और अनुपयोग का प्रभाव तथा वातावरण के प्रभाव से जीवों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है छात्रों, लेकिन इन्होंने कुछ बातों को स्पष्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण से इनकी सिद्धांतों की आलोचना हुई। आलोचना का कारण क्या हुआ, जैसे इन्होंने एक बताया कि अगर कोई जीवधारी अपने अंगों का उपयोग अधिक करता है तो अंगों के उपयोग के कारण से उस जीवधारी का जो नया जीवजात होगा उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं है। आलोचना कैसे हुआ, उदाहरण दिया गया कि जैसे यहाँ लिया गया है पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता, अंधे माता पिता का बच्चा कभी अंधा नहीं होता, लोहार के बेटे का मांसपेशी अधिक मजबूत नहीं होती। इन सब बातों के द्वारा जो है इनकी बातों की आलोचना किया गया। आलोचना के बाद जो है इनका सबसे बड़ा जो आलोचक था वो बिजमान साहब थे। बिजमान साहब जी जो है इनका बहुत विरोध किया, इन्होंने एक प्रयोग किया था चूहे पर। तो याद रखिएगा इनकी बातों का आलोचना किसने किया, बिजमान साहब ने। कैसे किया, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, लगभग यहाँ नहीं दिया है, लगभग 22 से 24 पीढ़ियों तक चूहे के पूंछों को काटते रहे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चूहा बिना पूंछ का जन्म ले। इस प्रकार से इन्होंने इनकी
लैमार्क की बातों को या सिद्धांतों को ठुकराया। इन्होंने बिजमान साहब ने बताया है कि जीव में जो परिवर्तन होता है, अगर वह परिवर्तन जीव द्रव्य में हो जाए या जनन द्रव्य में हो जाए, तो जनन द्रव्य में होने से जीव में जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन्होंने बस इतना बताया था। अब जीव द्रव्य के बारे में ये भी स्पष्ट नहीं कर पाए थे। तो इस प्रकार से छात्रों हमने लैमार्कवाद और लैमार्कवाद की आलोचना पढ़ा। यहाँ आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो कुछ बातें हैं उसको हमने हिट कर दिया है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं, डार्विनवाद। डार्विन साहब के बारे में भी है, चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम है। ये एक अंग्रेज जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने समुद्री यात्राओं के द्वारा ही जो है अपने जैव विकास के सिद्धांत को दिया। डार्विनवाद के सिद्धांत को जो है प्रकृति वर्ण द्वारा जातियों का इनके सिद्धांत को कहा जाता है। योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत को एक पुस्तक में छापा था जिसका नाम है प्रकृति द्वारा जो है वर्ण जातियों का उद्भव। इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया था, इस पर किन चर्चा किया था। तो अब इनका जो सिद्धांत है पहला जैसा दिया हुआ है, प्रकृति वर्ण। प्रकृति वर्ण का मतलब है प्रकृति द्वारा चयन करना। प्रकृति द्वारा चयन कैसे करना? जैसे जीव जाति प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलित होने पर ही वह जीवित रहते हैं। अगर कोई जीवधारी प्रकृति के वातावरण में अनुकूलित नहीं हो पाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को कहा गया है योग्यतम की उत्तरजीविता, कि प्रकृति अगर कोई जीवधारी कमज़ोर है, दुर्बल है, तो उसकी डेथ करा देता है। ठीक है, दूसरा इनका सिद्धांत जो है विभिन्नताएं। विभिन्नताओं में इन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक जीवधारी की विभिन्न जो भी जातियां होती हैं, जीव जाति होती हैं, उनमें बहुत से विभिन्नताएं मिलती हैं। जैसे हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, तो ये जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं प्रत्येक प्रकार के वातावरण में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। अनुकूलन ना करने के कारण से वो समाप्त हो जाते हैं। और ये विभिन्नताएं अगर वो संतानों में वंशानुगत हो जाती हैं, जिससे वो नए जीवधारी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये जो नया जीवधारी बना है वो वातावरण या हमारे लिए लाभदायक है, हानिकारक हो, लाभदायक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। तो जो लाभदायक या उपयोगी होते हैं वही जीवधारी बनने में सक्षम होती हैं, और उन्हीं उन्हीं की नई जीव जातियाँ ही जीवित रहती हैं। तो इस प्रकार विभिन्नताओं के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है। नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए, विभिन्नताएं कैसे जैव विकास को प्रदर्शित करती हैं। विभिन्नताएं का मतलब है जो विभिन्न प्रकार की जीव जातियाँ हैं वो जीव वातावरण से अनुकूलित होते हैं। अनुकूलित होने की दशा से उनका जो अनुकूलन की क्षमता है उनके पीढ़ियों में आ जाता है। पीढ़ियों में आने से वह जीवित रहते हैं। जीवित रहने से ये नए जीव के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तीसरा इनका है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम, योग्यतम का मतलब अच्छा, तो उसी की बात किया गया है। वही जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल होता है। जो जीवन संघर्ष में, मतलब वो विभिन्न प्रकार के वातावरण को डिफीट करके आगे आ जाता है, उसी से वह जीतता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग मेहनत से पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ने पर हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये जो मेहनत किया गया, इस मेहनत के फलस्वरूप जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसी को कहा गया उत्तरजीविता या जैव विकास कहा गया। तो इससे भी जो है जैव विकास होने के चांसेस रहते हैं या जैव विकास होता है, जिसके कारण से सभी जीव जातियों की संख्या बराबर रहती है। चौथा जो दिया है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष जो है सभी जीवधारियों को, जैसा कि हम आपके
पहले दूसरी क्लास में हमेशा चर्चा करते हैं। सभी जीवधारियों को 3 मुख्य आवश्यकताएँ हैं, भोजन, कपड़ा, मकान। परंतु यहाँ मकान का तात्पर्य होता है जनन से, ठीक है। तो जीवन संघर्ष का मतलब है कि जीव जात को रहने के लिए स्थान चाहिए, प्रकाश चाहिए, भोजन चाहिए, परंतु इस पृथ्वी पर सबका सीमित साधन है। तो सीमित साधन होने के कारण से जीव जात अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एक जीव से दूसरे जीव, अब चाहे अपने ही जात में करे या किसी दूसरे जात में, संघर्ष करता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप केवल सुयोग्य, या कह सकते हैं हम सरल शब्दों पे, अच्छे जीव ही जीवित रहते हैं, जिसके कारण से वह वातावरण में सर्वाइव होते हैं, और सर्वाइव होने के कारण से एक नए रूप में प्रदर्शित होते हैं, जिससे जैव विकास की बातें पता चलता है। इसके बाद इन्होंने लास्ट जो बताया है, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता का मतलब, जैसा कि प्रत्येक जीवधारी आप जानते हैं जनन करता है, जनन के द्वारा नया संतान उत्पन्न करता है। तो हो है क्या इसमें, इसमें बताया गया जो जनन करने की क्षमता या संतान उत्पन्न करने की क्षमता, वो जीवों में अधिक होता है। तो जीवों में अधिक होने के कारण से जो है, जो प्रजनन क्षमता है, तो जो जीव जात नया उत्पन्न होता है वह वातावरण में, उसमें से केवल कुछ ही लोग सर्वाइव होते हैं। सर्वाइव इसलिए होते हैं, जो अच्छे प्रकार के जीवधारी होते हैं या अच्छे प्रकार के जंतु होते हैं, वही उस वातावरण में जीवित रहते हैं। जीवित रहने के कारण से जो कमज़ोर, दुर्बल होते हैं वो डेथ कर जाते हैं, जिससे जो है अच्छे जीव ही जन्म लेते हैं। तो अच्छे जीव जन्म होने के कारण से जब ये अच्छी प्रक्रिया कंटिन्यू चलती जाएगी तो एक नए जीव के रूप में प्रदर्शित होता है। इस प्रकार से डार्विन साहब ने इन सब बातों से जैव विकास को प्रदर्शित करने का कार्य किया, परंतु इनकी भी बातों की आलोचना किया गया। आलोचना क्या किया गया, जैसा कि इन्होंने बताया था, जीवन संघर्ष, योगतम की उत्तरजीवता, संतानोत्पत्ति, इन सब बातों को जो बताया था, तो इसमें भी कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात का आलोचना किया कि अगर जीव जात में किसी अंग का उपयोग नहीं किया तो वह समाप्त हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर उपयोग नहीं किया तो वह अवशेषी अंगों के रूप में उपस्थित रहता है। इन्होंने उन अवशेषी अंगों के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। दूसरा इन्होंने जो बताया डार्विन साहब ने, विभिन्नताओं की उत्पत्ति के कारण। विभिन्नताओं की उत्पत्ति तो बताया कि विभिन्न एक जात का दूसरे जात से समाकलन होने से नई जात बनती है, परंतु इसका कोई वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। और इनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि यह वंशागत पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं कर पाए, जिसके कारण से इनका सिद्धांत जो है आलोचनाओं का शिकार हुआ। ठीक है छात्रों, इस प्रकार आज हमने 2 सिद्धांत पढ़े हैं, लैमार्क और डार्विनवाद। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत से हैं, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की क्लासेज में हम मिलते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।